नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं खड़ा हूँ चेन्नई के मद्रास हाई कोर्ट में और आज बहुत ही एक उथल पुथल मची रही पूरा दिन, कल से ही इनफैक्ट अगर हम कहें तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। आज वर्डिक्ट आ चुका है, एक जज, दो जजेस की बेंच थी, गिरजा बैनर्जी और एक थे सुंदर। गिरजा बैनर्जी ने जो है उन 18 एक्सपेल्ड MLAs का जो वर्डिक्ट था उसको बरकरार रखा है। उन्होंने ये कहा है जो 18 MLAs की जो उपाधियां छीनी गई थी वो वैसी ही रहेंगी, लेकिन उसके उलट जो सुंदर जी हैं उन्होंने TTV तिनगरन के पक्ष में इस वर्डिक्ट को रखा है, जहां पर ये कहा गया है कि इन लोगों को एक और मौका देना चाहिए। अभी हाल ये है कि वो 18 जो MLAs की जो स्थिति है वो अभी क्वेश्चन मार्क में ही खड़ी है, अभी किसी भी तरह का न्याय या फिर निर्णय नहीं लिया गया है। तो पक्ष दोनों ही तरफ में 50-50% का वर्डिक्ट आया है, यानी OPS और APS का खेमा भी खुश है और TTV तिनगरन का खेमा भी खुश है। खुश तो आप नहीं कह सकते, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तीसरा जज का बेंच बैठेगा, जिस भी पक्ष पे उस जज ने मोहर लगा दी वो पक्ष जीत जाएगा। यानी कि अगर TTV तिनगरन के इन 18 एक्सपेल्ड MLAs को वापस ले आया जाता है तो अभी जो सरकार है इस फिर इसका बने रहना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रखता है। अगर ये 18 लोगों को हटाने का जो निर्णय है, ये दूसरा तीसरे जो जज आएंगे उन्होंने भी यही कर दिया, तो ये जो सरकार है ये बनी रहेगी। बने रहे हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। नमस्कार।